पर्ल कॉन्टिनेंटल मालम जब्बा में आए हुए हैं हम लोग, और यहाँ पे इनका सिस्टम ये है कि 1000 रुपये लेते हैं पर पर्सन अंदर आने के। आप अंदर आएँ, खाएँ पिएँ, व्यूज़ को इंजॉय करें, और इसी में $1000 जो हैं वो यूज़ भी होंगे। तो अच्छा रेस्टोरेंट है, अभी आके बैठेंगे यहाँ पे पीछे से मंज़र देखने के लिए। लेकिन सुना है कि पीछे इनका गार्डन का हिस्सा है। वाह जी वाह, बर्फ दोनों तरफ, बीच में से रास्ता शाही लोगों का, और उधर कुर्सियाँ। ये पीछे का लॉन है, अभी तो बर्फ़ की वजह से ज़्यादा बैठने की ज़्यादा जगह नहीं। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पूरी यहाँ पे अच्छा सीटिंग एरिया होता है। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसी कुर्सियाँ डाली हुई हैं, लेकिन यहाँ से व्यूज़ देखने के लिए आए हैं बेसिकली, तो कि क्या व्यूज़ हैं। और इतनी बर्फ़बारी, इतनी ऊँचाई के बावजूद मैं जो हूँ आपको बताता हूँ कि क्या पहने हुए हूँ। थोड़ा सा ऊपर करके अपना मंज़र, तो सिंपल बेसिकली तो हुडी है, इसके अंदर वो नहीं है क्योंकि ऊँची गर्मी सर्दी की चीज़ें पहने हुए नहीं है हम लोग। बर्फ़ में से गुजर रहे हैं, बर्फ़ से गुजर रहे हैं, हमें फील ही नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी ना। और खूबसूरत मंज़र है पीछे का, यही जो चीज़ है ना इसी के लिए आए हैं यहाँ पे। और ये चीज़ें मरी में नहीं मिलती, ये सब यहाँ मिल सकती हैं। और अभी यहाँ पे चेयर लिफ्ट पे जाने का प्रोग्राम है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आप देखते रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए कहते हैं, तो आपको वो भी मनाज़िर नज़र आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाएं। तो ये पीसी में जो लोग ठहरे हुए हैं उनके लिए ये उनके रूम्स बने हुए ऊपर सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं, और वहीं से बैठ के आप व्यूज़ भी देखें और वहीं से बैठ के इंजॉय भी करें। ये भी कोई बुरा साधन नहीं है कि आप आराम से बैठें, इंजॉय करें, चाय शाय पिएँ, पेस्ट्री वेस्ट्री खाएँ और ज़िंदगी इंजॉय करें। ये पूरा है यहाँ पे बैठे हैं, शाम को आप आराम से इंजॉय करें, दिन में इंजॉय करें। हम क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? 12:43। अच्छा, तो तकरीबन 12:45 है दोपहर का। इस वजह से सर्दी नहीं है, धूप में भी मज़ा आ रहा है वॉक करने में, और कुछ जैकेट शैकेटें पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। और जी मैडम, तो खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से बिल्कुल पूरी उतरी कि अच्छी जगह कोई जाके देखें। अभी तक ऐसी जगह कोई देखने को नहीं मिली थी, पहली दफ़ा ऐसी खूबसूरत जगह मिल रही है। तो चले अंदर चलते हैं, कुछ थोड़ा सा देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। आराम से गोला गंडा बन जाएगा। हाँ गोला गंडा आराम से, कोई नहीं है इसलिए मैं आपको बाथरूम दिखा रहा हूँ। पर कॉन्टिनेंटल का गोल्ड कलर, मतलब गोल्ड तो नहीं है लेकिन ये साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, काफ़ी सारे बने हुए इंडिविजुअल यहाँ पे। और उधर यूरिनल्स हैं, इधर सारे आपके हाथ वाथ धोने की जगह हैं, इधर भी हाथ वाथ धोने की जगह हैं, और उधर भी यूरिनल्स हैं, तो इट्स नाइस एंड क्लीन। तो बस पर कॉन्टिनेंटल की एक तरह से ये लॉबी, यहाँ बाथरूम बने हुए कोने पे, इनकी छोटी सी गिफ्ट शॉप भी है, और मेरी पसंदीदा पिंग पोंग की टेबल भी रखी हुई है यहाँ पे, और हुक्का भी है। अगर आपको हुक्का चाहिए, शीशा चाहिए, तो वो भी मौजूद है। सामने साहब जो हैं बैठे हुए, इसको शीशा कहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हुक्का कहते हैं, पता नहीं जो भी है वो भी मौजूद है। इस वजह से कि आप रेकमेंड कर रहे हैं हाई टी की ऑप्शन को, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं खाने की भी जी। उसमें हमारे मेन कोर्स में 10 टाइप के मेन कोर्स हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल। अच्छा, इंक्लूड 1 टाइप ऑफ सूप, और इसमें स्नैक में दही भल्ला, पानी पूरी, चना चाट, डेजर्ट में डिफरेंट क्वालिटीज की पेस्ट्रीज हैं, मूस हैं, और ड्राई आइटम्स भी हैं बेकरी में। उसमें 2 टाइप जूस है और टी कॉफी हम आपको सर्व कर देंगे। चलें, अच्छी बात है, फिर क्या ख्याल है, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है? चलें, डिसाइड हो गया जी, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग। खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, क्या बात है, तो नज़र ही नहीं पड़ी हमारी। दही बड़े भी हैं, अभी हुआ ऐसी वजह से, खूबसूरत सेटअप है। यहीं से चीज़ें खाएंगे अभी हम लोग, लेके कितना खाएंगे पता नहीं, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है, बहुत ही। और उधर चलिए आप, बेकरी का हॉट गुलाब जामुन भी है, ओहो आज तो अय्याशी हो गई। अच्छा, ऊपर नाम लिखे हुए, अच्छा नान है, चना मसाला, चिकन टिक्का मसाला है,
समोसे भी हैं, पकोड़ा समोसा लाइव बनेगा। हाँ, पकोड़े चिकन विंग जो भी पीना पेस्टा भी मौजूद है, सेसमी चिकन, एग रोल, एग से फ्राइड, वाइट फ्राइड राइस भी। जी चलें, थैंक यू। अब आप बताइए कि क्या हिम्मत है आपकी। तो बड़ी खूबसूरत, मैं एक तरह से फिल्म बना लूँ इसकी थोड़ी सी। जी जी, क्या खूबसूरत ना मसाले हैं, ये मसाले हैं। ये आप कुछ बता सकेंगे कौन कौन से क्या क्या हैं? कौन बता सकता है? मिक्स पाकिस्तानी, मिक्स पाकिस्तानी। हाँ, जो अगर गेस्ट को अगर एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या चीज़ें नॉर्मली आपको नाम है इनके? इसमें क्यूमन है, हाँ, फेनल है, क्रश चिली है, कलवंजी है, उसके बाद हल्दी है, थैंक यू जी। यहाँ पे ऊपर साइन लगा हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो हमने सब चीज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये नान है, चिकन मसाला है, चिकन टिक्का मसाला है, समोसा भी है, वेजिटेबल भी है। अभी तो दोनों खाली हैं, कहा है कि बस बनने शुरू हो रहे हैं, आने वाले हैं। चिकन विंग्स भी हैं, पीना पास्ता विद वाइट सॉस, सेसमी चिकन एंड एग फ्राइड राइस। टीवी, कॉफ़ी का पूरा सेटअप मौजूद है, जूसेस के साथ ड्रिंक्स वगैरह की सब चीज़ें मौजूद हैं। ये टेबल हमने सेलेक्ट की है, साथ में बाहर अभी तो मौसम जो है कि बर्फ़ गिरी हुई है, तो विंडोज़ आपको सिर्फ बर्फ़ भी नज़र आएगी, लेकिन आपको बाहर का मंजर हम थोड़ी देर पहले दिखाई चुके हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ का पूरा सेटअप जो है अंदर का पर कॉन्टीनेंटल का ये है, यहाँ पर चल रहा है, तो इन्जॉय करते हैं। तो चिकन टिक्का मसाला वाला सालन है, और सेसमी सीड चिकन वाला है, फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस। आपने पीना पास्ता भी लिया है, और चिकन विंग्स भी लिए हैं, और फ्राइड राइस वही जो है सेसमी चिकन। बट अभी मुझे वो लेना, समोसा और भी लेना है। समोसा नहीं लेना, मुझे पकौड़ा। पकौड़े, अच्छा पकौड़े बनने वाले हैं थोड़ी देर में, वो भी मिल जाएंगे, वो बाद में खा जाते हैं चाय के साथ, पहले तो खाना तो खा लिया जाए। क्या ख्याल है आपका? और सामने से अभी ड्रिंक या ये कि पानी मंगवाया जाए, बताते हैं जी कैसा है, आपके सामने लाइव बताएंगे कि कैसा खाना चल रहा है। सेसमी चिकन इज एवन, अब जो है वो टिक्का कढ़ाई, टिक्का चिकन, मसाला चिकन, वाइट पास्ता, ट्राई करनी। ये क्या आता है? देखिए आप चिकन टिक्का खाइए, कुछ अपने ही लिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जाली नहीं है, असली वाला मसालेदार। और मसाले अलग रखते हैं, आपको अगर मिर्चें वगैरह डालनी है कुछ और तो भी आप डाल सकते हैं। ख्याल होता है कि ऐसी जगह जो होती हैं जहाँ पर के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, वहाँ फिर खाने अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो बनाते हैं एक तरह से टूरिस्ट को कैटर करने के लिए, लेकिन मसाले वगैरह उन्होंने बहुत सही डाले हुए हैं। तो एक अपने तौर पे गोलगप्पे की प्लेट भी बनाई है, उसके साथ इसकी वो जो है पानी भी, और कुछ इसके अंदर मीठी चीज़ें भी डाली हैं, कुछ नमकीन भी, और साथ में जो है वो दही बड़े भी हैं। तो मेरा प्रोग्राम हो रहा है क्रीम कैरामल लेने का, तो वो मैं लेता हूँ प्लेट आके इधर, और बर्फ़ी भी है वैसे तो अभी दिल चाह रहा है, लेकिन एक पीस क्रीम कैरामल का ना आया हुआ, और एक जो है बर्फ़ी का भी डाल लिया जाए ये, और जनाब वाइट चॉकलेट ब्राउनी और कस्टर्ड
स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, कीवी पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री तो चली गई है, मैं सोच रहा हूँ कि जो ये कीवी पेस्ट्री को ज़रा ट्राई किया जाए, ये होगी। और साथ में आपकी सेवैयाँ भी हैं और क्या कलरफुल स्ट्रॉबेरी की पेस्ट्री है, ये कलरफुल है, अगर ना खाई ज़रा सी तो ज़्यादा है। ये मैं आपको जाके प्लेट दिखाऊंगा वहाँ पे, और इतनी जब ये भी है कलरफुल तो इसका भी थोड़ा सा पीस देना ज़रूरी है। सारे कलर जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। अब मैं क्या खाऊंगा ये तो बताता हूँ आपको मैं वहाँ चल के। ये स्टाफ यहाँ पे मौजूद है ना, पर कॉन्टिनेंटल मालम जब्बा का, आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शायद है सर। शायद है आप यहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो बहुत खुशी। और आप जो हैं मुझे उन्होंने बहुत कन्विंस कर दिया कि आज यही करना है, काशिया साहब ने, और काशिया में और बेस्ट मुझे लग रहा है, यही रिकमेंड करते हैं। हाँ नहीं नहीं ये बिल्कुल सबसे, और आप जो हैं सर किस तरह कहते हैं सरजेब साहब, और दसनाउल्ला साहब भी आ गए। थैंक यू जी, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं आपकी इस एक लोकेशन को। तो क्या नाम है मेरे चैनल का? देसी अंकल, देसी अंकल, हाँ जिप्सी पूरा नाम है, लेकिन याद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें वहीं आएंगी। ओके जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये कलर को लेके आया हूँ मैं, सिर्फ से दिखाने के लिए, खाऊंगा नहीं, लेकिन एक एक चमचा तो लेना है थोड़ा थोड़ा सा दिखाने के लिए कि क्या है कलरफुल पेस्ट्री है ना। वाह वाह, बर्फ़ी भी है वैसे तो, वो भी लेनी है, लेकिन ये कि आपका क्या प्रोग्राम रहा है, एक एक चमचा मारेंगे तो एक एक आटा थोड़ा सा, एक 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 बस ज़रा ज़रा, हाँ उसके बाद जो है फिर कॉफ़ी चलेगी। चलिए क्या खूबसूरत जनाब मंजर है। चाय बच्चा है पीने वाली सामने, अब पेस्ट्री का आप अंदाज़ा कर लें कितनी हमें पसंद आई कि सब खा गए, और उधर का भी कुछ हशर कर ही दिया थोड़ा सा, मज़ा आ रहा है, इतना खा लिया कि रात के खाने का पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब चाय पीने का प्रोग्राम है, इसको एंजॉय करते हैं।